विधाता भैरानी दिया वंशी का अंश हम है क्षत्रिय किशोर पहने गहरे सुनहरे गो लाखो के तुम पहे पुखराज हीरा व पन्ना रतन जोगियों गोदड़ी में तुम्हारे जड़े भीख जमान कर पेट भरते हो तुम धन कहां से मिला सच बताओ मुझे चाहे जितना कहो आपकी बात पर चाहे जितना कहो आपकी बात पर मुझको विश्वास मुतलक नहीं है सुनो चाहे जितना कहो आपकी बात पर मुझको विश्वास मुतलक नहीं है सुनो मांगकर अपना पेट भरते हो इतने गहने तुम लोगों को कहां से मिले ये मैं जानना चाहती महारानी जी इतने गहने हमें मिले कहां हां तो मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने देखो सोने के दोनों दिए हैं कड़े और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने दीना पहनाए मुद्रा रत्न के कड़े तो गुदड़ी दीनी है कनवज के जयचंद ने टग रहे जिसमें हीरे जवाहर पड़े बाजुबन मोहबे के ब्रह्मानंद ने दिया शाम उन्हें आपके जो है पहने खड़े महारानी जी और सुनिएगा गुरुदेव सुनाइए पास आला के जिस वक्त थे हम गए तो क्या हुआ बैठे ज्योतिषी थे लखाई पड़े साढ़े साती सनिचर लगा मानो पे कहने पंडित लगे फूटे मस्के पड़े महोबा पहुंचा तो वहां क्या देख रहा हूं क्या देख एक ज्योतिषी बता रहा है कि इस वक्त मौड़ों में साढ़े साती सनिचर लगा हुआ है क्या कहा गुरुदेव मेरे मौड़ों पे साढ़े साती सनिचर हाँ महारानी जी गुरुदेव अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वाकई में आप लोग संत हैं लेकिन गुरुदेव आपने क्या कहा कि मेरे मारो पे साढ़े साती से नीचे लगे हाँ महारानी जी लेकिन गुरुदेव अरे कब से मारो सन की लगी है दशा क-
कब से माड़ो पे सन की लगी है दशा, कब से माड़ो पे सन की लगी है दशा, और जाएंगे किस दिन शनिचर उतर, और जाएंगे किस दिन शनिचर उतर, दो बता दो बता दो मुझे योगेश्वर, आपके वचनों से मैं ना इंकार हूँ, आपके कहने से मैं ना इंकार हूँ, गुरुदेव मेरे माड़ों पे साढ़े साती शनिचर कब से लगी हुई है और किस दिन उतर जाएंगे, अगर इसका आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे तत्काल बताइए। महारानी जी इसका उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव? आपको सामग्री देना होगा। गुरुदेव जो कुछ सामग्री लगेगी आपको सब कुछ मिलेगा। हर भैंस बकरा और भैंस बकरा उरद काला कमल मंगा, कमल मंगा और दीजिए दान जोगी को बुलवाए कर, दीजिए दान जोगी को बुलवाए कर, गौदान दो विप्र को श्याम रंग की, गौदान दो विप्र को और सोने से दोनों सींगों को मुड़वा, भोजन करा और बात सुन मेरी तुम ध्यान में लाइए, ध्यान में लाइए, ध्यान में लाइए, बात कुछ ना मिले, उतरे सनदेव और कष्ट कुछ ना मिले, और जो करो अपने हाथों से तुम दान है, जो करो अपने हाथों से तुम दान है,
आप अपने हाथों से दान करें और हम योगियों को भोजन कराएं। आपके मौड़ों में जो 7.5 शनिचर लगा है वो शांति हो जाएगा। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, जो भजन सुनने की एक इच्छा मेरी है, भजन सुनने की एक इच्छा मेरी, आप मुझको भजन एक सुना दीजिए। कि हम लोग कई दिनों के भूखे हैं। हाँ महारानी जी, हम लोग कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले आप भोजन कराएं, उसके बाद मन चाहा भजन सुने। गुरुदेव, अगर ऐसी बात है, आप लोग कई दिनों के भूखे हैं तो ठीक है, आज आप लोग को मैं अपने हाथ से बनाकर भोजन स्वयं। नहीं नहीं महारानी जी, नहीं, आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन हम लोग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पा सकते? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? महारानी जी, भोजन पाएंगे। कोई कुंवारी लड़की वो अपने हाथों से भोजन बनाए तो हम पांचों संत भोजन पाएंगे, क्योंकि कुंवारी लड़की एक ब्राह्मण का रूप होती है। गुरुदेव, आपने क्या कहा कि कोई कुंवारी लड़की हुई? हाँ, तो आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकती है। हाँ महारानी जी। गुरुदेव, एक मेरी बेटी है जिसका नाम बिजमा है, क्या आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकती हैं? महारानी जी, क्या वो कुंवारी हैं? हाँ, अभी वो कुंवारी है। तब तो फिर चल जाएंगे भोजन के लिए भाई। दासी महारानी जी, जाकर मेरी बेटी बिजमा से कहना कि तुम्हारी मानी राजमहल में फौरन बुलाया है। जैसी आपकी आज्ञा। और ये छलिया ये मोहब्या लिया मैंने पहचान, लिया ये मोहबिया लिया मैंने पहचान, और जा कर या गोला बुला महलों के दर।
जोगी नहीं तुम लोग छलिया हो छरछंदी। कमीनो तुम्हें शर्म नहीं आती? ठहर जाओ महारानी जी, अब बहुत कुछ हो गया है, बहुत बोल लिया है, अब मैं बोलना शुरू कर दूंगा। हम लोगों ने जब से यहाँ पे आए हैं, क्या बात है, तुम एक नाम ही लगा करके रखी हो, मोहबिया मोहबिया मोहबिया। क्या मोहबिया तुम्हें कोई आघात पहुंचाए तो क्या समझती हम मोहबिया हैं? है फिर तुम कौन हो? हम मोहबिया दिखलाई दे रहे हैं। अरे मोहबिया कहो क्या वही अकले थे हम लोगों को। देखो कि सारे लोग नशे में परेशान है। गया छोटे जोगी वो है या ये चक्कर और हंसी आ रही बात सुन के सुनकर हंसी आ रही। ऐसे ही आप कर ही रही हैं। आप जब से मैं आया हूं सिर्फ मोहबिया कह रही हैं। अरे हम लोग नशे में परेशान रहते हैं, देखो ये सब लोग नशे में व्यस्त हैं और हमारे छोटे जो भी चक्कर आ गया। आप कह रही हैं कि छरछंदी है मोहबिया है, ये सब क्या है? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपनी बेटी से पूछ ले, आपकी बेटी तो झूठ नहीं बोल सकती है। तो मैं अपनी बेटी से जरूर पूछूंगी, लेकिन सोच लो अगर सच निकला तो कोई बात नहीं, अगर झूठ निकला तो पांचों लोगों का सर कटवा कर इसी बरगद की डाल में टंग। लेकिन ऐसे कड़वे शब्द बोलने से पहले जरा अपनी बेटी से दरियाफ्त तो कर ले। बेटी बेटी बीमा कहिए मम्मी। मैं तुझसे जो कुछ पूछूं सच सच बताना बेटी, ठीक है ना? क्योंकि आज मेरी इज्जत का सवाल है। बेटी बता दे ये मेरी सीता प्राण प्यारी, पर कोई जादू किया हो तो बता बेटी, इन कमीनों को अभी मैं फांसी चढ़वा।
ठीक है माँ। माँ और ये निर्दोष है माँ, ये पांचों भिखारी। तेरा दिमाग तो सही है। ये निर्दोष है सोदी ये जोगियो सो, तो देना के सोदी ये जोगियो को लगाया सियाये नगी तुम्हारे। ये पांचों संत निर्दोष है माँ, इनकी कोई गलती नहीं है। बेटी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इन जोगियों को आज मैं इनाम के रूप में ऐसा तोहफा दूंगी ताकि ये जहां भी जाएंगे हमेशा हमारे राजमहल की प्रशंसा करें। अरे भाई, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि हम लोग बिल्कुल निर्दोष है। और क्या, हम लोग बिल्कुल निर्विरोध है। अरे निर्दोष, हम लोग निर्दोष है। और हम लोग आश लगा कर आए हैं कि यहाँ जरूर मिलेगा। हम लोग बांस लगा के आए, आश लगाए, आश लगा कर हम कहीं बांस लगाए। यहाँ जो भी आया है वो खाली नहीं गया। ए भाई दरबार है ऐसा। भाई हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई कमी नहीं है बाबा। गुरुदेव लीजिए ये नौलखा हार है, इसे मेरा बेटा करिया मोहबे से लूट कर ले आया। महारानी जी, आपका बेटा करिया चोर है क्या? नहीं, मेरा बेटा करिया एक बहादुर है, इसे जीत कर ले आया। यह नान के समान जीव कई के लाए हैं। कमीनी, अगर बदजुबानी करेगा तो तेरी जुबान कटवा लूंगी, बेशरम कहेगा। महारानी जी, ये नया चेला है, बराबर इसे ज्ञान नहीं है। इस कमीने को समझा कर रखो, नहीं इसका सर कटवा कर इसी जगह टंगवा दूंगा। ठीक है महारानी जी, समझा दूंगा। गुरुदेव अब मैं चलना चाहती हूँ, अगर मैंने आप लोगों को अनजान में कुछ कह दिया हो तो मेरी गलती को क्षमा कर। क्षमा है महारानी जी, क्षमा है, क्षमा है, जौन कुछ बचा सब जमा है। इन जोगियों को जितना अच्छे से अच्छा भोजन हो सके इन्हीं बनाकर खिलाना। ठीक है मम्मी। इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो पाए, कोई तकलीफ नहीं हो। अगर किसी चीज की कमी होती है दासिया द्वारा बाजार से मंगवा लेना। जी मैं। हाँ बेटी, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी। बाबा जी, आप पांचों जोगियों में सबसे छोटे वाले जोगी कौन है? तुम कहे लक्ष्मण कही थी, आप क्या कहे हो बिच्ची? मैं पूछ रही हूँ, आप पांचों जोगियों में सबसे छोटे वाले जोगी कौन है? सबसे छोटा जोगी? जी हाँ, सबसे छोटकवा जोगी हम वही रहे। जब उनको छोड़े हम वही करना ही जियो, सबसे छोटकवा हम वही रहे। बाबा जी आप हैं, बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात यही है कि आज छोटे जोगी के मेरे दरबार में फांसी होने वाली है। रुक जाओ फिर, रुक जाओ, हम छोटकवा ना ही ना पड़कवा है। बड़ा नहीं तो तू मंझला है, छोटा यही है। नहीं सबसे बड़े हैं, ले जाओ इसकी फांसी दे दो। नहीं सबसे बड़े हम, देखो हम सबसे बड़े हैं, छोटकवा जोगी हम कहीं जाएंगे। बाबा मरेगा थोड़ा हो आपका। बाबा जी बतलाइए। बेटी एक बात बताओ, हम पांचों संतों में से सिर्फ आप हमारे छोटे जोगी को ही क्यों पूछ रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? बाबा जी क्या बात है,
मैं इसलिए पूछ रही हूं कि सबसे छोटे वाले जोगी जो हैं उनका भोजन मेरे स्पेशल कमरे में होगा। लेकिन हम और आप जो चार जोगी हैं आप लोगों का भोजन मेरी दासिया कराएंगी। लेकिन हम जहां करी थी पांचों जने इकट्ठा करी थी। लेकिन आज तो बिछड़ना ही पड़ेगा। यानी चार जोगी के कहां हैं? हमारी दासिया कराएंगी। चार जोगी के भोजन कहां करी हो? पशियन खिया करी हो? पासिया नहीं, दासिया जो राजमहलों में होती है, नौकरानी। ये को चार जने हैं, चार जने की ठेका कोली है। ये मेरी दासिया है। ये आओ, ये कहीं जाओ। कौने माचे तुम हमारे भोजन के ठेका ले ली हो? यही के माचे और क्या? तुम्हार भोजन तो हम इनका कंपनी कम पड़ेगा। ये भाभा रे तुम्हारी जो फूली हुई है, क्यों इतना भोजन करोगे? इतना भोजन करोगे तभी हमारे राजमहल का भोजन कम नहीं होगा। इतना राशन लगा हुआ है। हम बहुत खवैया जवान हैं। अगर जुट जाओ तो रात और दिन जुटे रहो, अगर सो जाओ जागब तो फिर जुट जाओ। अगर फिर भी नहीं जुटे तो भोजन में ले जाके तुम्हारा मूड ही अड़िया देंगे। इतना भोजन लगा हुआ है। एक बात जान लीजिए। क्या? तुहिन तो घंटा पहर टिक सका तो भोजन में। एक भोजन तो एकदम कच्चे है। कौन इसको कच्चा समझ रहे हो क्या? अरे बहुत भोजन बनाती है। और क्या? तुम्हार चावल तो तिरकुला है। तिरकुला नहीं है, पूरा पक गया है। चलो ठीक है, हम कच्चा पक्का जौन मिली सब खाई। चार जने के ठेका तुम लियो है? अकेले अकेले ले रही हूं। चलो ठीक है, एक मिनट। चार जने के भोजन इनके ही यहाँ है जी। हाँ। और छोटे बाबा के तुम्हारे स्पेशल कमरा में जी। हमार जुगाड़ न लगी? नहीं बाबा जी, आपका नहीं लग पाएगा। ये बताओ, अच्छा ये स्पेशल कमरा को नहीं, सिर्फ मैं रहूंगी और साथ में छोटे वाले जोगी रहेंगे। कौन ना रही? और कोई नहीं रहेगा। खाली तुम और वो जोगी कमरे में? जी हाँ। ये बताओ ओमा खिड़की उड़की है? हाँ होती है। अरे ये बताओ नलका वलका है? नल भी है। टोटी वाला है कि हैंड वाला है? नहीं टोटी वाला है। टोटी वाला जी हाँ। और नापदान है? नापदान भी है। नापदान झूर है कि बिछड़हार है? नहीं इस समय तो सूखा है। सूखा है जी हाँ। धुंधरो होते है? हाँ होता है। तुम कहे आई थे पड़े हो? तुम जब होता आई थे रहा था। ये सब क्यों पूछ रहा है? समझने कोशिश करो, ये दाल में हमको काला नजर आ रहा है। चार जने के भोजन अलग बनवाए रही, छोटे बाबा का अलग बनवाए रही, छोटकवा बाबा दुलारा बघा रहा है, और कौनो बात हो गए तो नापदान वाली जगह सुकुवार होत है। एक ईटा निकाला जाए वही की धाई वाली आवाज है। समझा करो। हम पांचों संतों में से हमारा प्यारा और लाडला जोगी ये है। हम अपने जोगी को, अपने बच्चे को तुम्हारे साथ में भेज सकते हैं, लेकिन भेजने से पहले तुम मुझे वचन दो कि जाने के बाद हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बाबा जी मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ कि भोजन कराने के बाद छोटे जोगी को आप तक ला के पहुँचा दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, मुझे तुम पर विश्वास है। मुनिराज आइए, भोजन कराती हूँ मैं। लक्ष्मी रंजन सीताराम सीताराम, और हम राम रमते जोगी, रमते रमते आ गए। हम राम रमते जोगी, रमते रमते क्या? बाबा जी जरा इधर आओ, इस तरफ आओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। दाल में कुछ काला नजर आ रहा, खड़े हो जाओ कुर्सी से, नीचे बैठो। लेट जाओ। क्यों बाबा जी? बाबा चले गए,
चले गए, बाबा की आत्मा भटक रही है। मरे नहीं, शैतान पहले बन गए। बाबा का आत्मा स्पेशल कमरे का भोजन करेगी, यही हमारा भी जुगाड़ लगाओ। बाबा की आत्मा भटक रही है, बाबा जी बाबा की आत्मा को शांति दिलाओ। यहाँ भटको मत। क्यों? यहाँ कुछ आशा मत रखो। क्यों? यहाँ कुछ मिलने वाला तुम्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ छोटे जोगी का भोजन है। हमारे जुगाड़ वही में लगाओ। आपका नहीं लग पाएगा। न लग पाई क्योंकि आप तक भोजन पहुँचा ही नहीं पाओगे, बहुत बड़े हो ना तुम। नहीं, तुम्हारा पेट ज्यादा निकला होगा। नहीं, हमका जूठ अनूठ दियो। बाबा जी यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जाओ नहीं वहाँ से भी छूट जाओगे। पतरीन चाटे का दियो। पत्तल भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगी, यहाँ पत्तल नहीं चलता। चले नहीं तो पूरी से जाओ, परेठों से जाओ। चलो क्यों बाबा जी, ये सब क्या बदल के भेस आ गए? तुम तो समझ रहे हो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, ये अच्छी तरिस्त में पहचानती है। लेकिन क्या बताऊं, तुम भोजन करना चाहते हो, भोजन करोगे? मैं तुम्हें भोजन कराने के लिए सिर्फ स्पेशल अपने कमरे में लाई हूँ, इसीलिए तुम अकेले हो और मैं भी अकेले रहूंगी, दोनों लोग का भोजन होगा तगड़े से। आ जाओ। और दिल की आज जख्मी तीरे नजर से मेरे बस गया, दिल में तू ही जवां कुबरू, बस लगा सीने से जाम वसलती पिला है यकिया मिले खाख में और खंडती हमारा सकल। बाबा जी ये सब बहाने बनाना छोड़ दो, तुम समझते हो मैं तुम्हें पहचानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। जरा याद करो कि जब तुम उरई गए थे, अभय की बारात में सिरवज गए थे और वहां ही हमारी मुलाकात हुई थी, जरा याद करो। और देखा था तुमको उरई में मागिल के घरे, देखा था तुम को उरई में मागिल के घरे, जानती हूँ महोबा नगर धाम। छोड़ दो, सारा परिचय तो तुम्हें बता चुकी हूँ। और काम के बाम से हो रखी हो
तुम्हारी अकैद मैं करवाऊंगी, हो पड़ी बाप की जैसे तेरे टगी, हो पड़ी बाप की जैसे तेरे टंगी, वैसे ही खो पड़ी तेरी टंगी। करिया को कहा है मेरे सामने उदल, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जब तक तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तब तक वो साला कहां बन गया? तुम साला कह रहे हो, लेकिन ये जान लो कि माड़ोगढ़ है और माड़ोगढ़ से तुम जिंदा जा नहीं सकते हो। या तुम मेरा कहना स्वीकार करो, अगर नहीं स्वीकार करोगे ब्लाउज करिया है कहां साला मेरे सामने आए तो एक बार देखो उधर है करिया। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ माड़ोगढ़ में, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं वचन भी दे चुकी हूँ और वादा भी करती हूँ, कसम भी एक दिन खाई थी कि शादी करूँ तो सिर्फ उदल के साथ, वरना जिंदगी भर कुंवारी मर जाऊंगी। मदन का नशा ब्याग करने को जो मुझसे वादा करो तो बता दूंगी माड़ो का सब भेद मैं, ओ फतेहा भी फिर ना लगेगा। उदल, मेरा कहना मान जाओ और हाँ मैं सारा भेद बता दूंगी। कहना क्या है आपका? लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने तेग की कसम खाओ और वादा करो कि जिस दिन इस माड़ोगढ़ में फतिया भी पाओगे उस दिन मेरा डोला अपने साथ शादी करके तुम महोबा ले जाओगे। वादा करो, मैं सारा भेद बता दूंगी और तभी तुम जीत सकते हो मेरे भाई से। यानी मैं अपने तेग की सौगंध खाऊं? जी हाँ। और शादी करने का वादा करूं तभी माड़ो का भेद बताऊं? हाँ उदल। ठीक है, मैं अपनी तेग की सौगंध खा रहा हूँ कि जब मुझे माड़ो का भेद बताओगे तभी मैं शादी करने का वादा करता हूँ। तो लेकिन माड़ो का भेद बताइए। हमारे माड़ो में 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे? 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजे में 2 मरियागीर का है और 2 असिधास के हैं और 2 चंदन के हैं और 1 लोहे का गेट है जिस पे मेरे भाई करिया का पहरा है। और तुम्हारे पास जितने अस्त्र हों, गोले बारूद हों, सभी ले जा करके हमारे भाई जो लोहे का गेट है उसी गेट पे लगवा दो। अगर मेरे भाई का खात्मा हुआ तो तुम माड़ो में विजय पाओगे, वरना यहाँ से जीत के नहीं जा पाओगे। ठीक है, लेकिन बाबा जी कुछ कहने को दिल करता है यार। और तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, बाबा तुमसे मिलने